नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए बढ़ते हैं महोबा की कुछ अहम खबरों की ओर। मामला कबरई थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित खनिज बैरियर के पास का है, जहां रबई गांव के रहने वाले 35 वर्षीय रामखिलावन उर्फ बबलू अपनी बाइक द्वारा पत्नी सुनीता व 4 वर्षीय मासूम रिया को लेकर कबरई कस्बे से वापस अपने गांव रिवई आ रहा था। जैसे ही रामखिलावन झांसी मिर्जापुर रोड स्थित खनिज बैरियर के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने अनियंत्रित होकर कार और बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार और बाइक के परखच्चे उड़ गए एवं बाइक सवार माँ बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। माँ बेटी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवा शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं घायल रामखिलावन की प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। महोबा से संवाददाता रिंकू खान की रिपोर्ट। ये भैया कबरई मार्केट करने आए थे भाभी के साथ, तो अभी ये मालूम नहीं कि जाने में एक्सीडेंट हुआ कि आने में हुआ है। बस मेरी भतीजी का नाम रिया है, वो भी ऑन स्पॉट खत्म हो गई। भाभी का नाम सुनीता है, वो भी ऑन स्पॉट खत्म हो गई। भाई साहब बच गए हैं, तो जिला अस्पताल में। किस किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ है? सर मौके में हमें बाद में आए हैं, लेकिन ये हमारे भैया बुलेट से थे और ट्रक और एक इंडुको गाड़ी थी। बता रहे हैं कि ट्रक वाले ने इंडुको में मारा, इंडुको वाले ने बुलेट में मारा। अभी करीब 20 मिनट पहले जिला चिकित्सालय इमरजेंसी में 3 एक्सीडेंटल मरीज लाए गए एम्बुलेंस के द्वारा। पता चला कबरई रोड पर, कबरई बांदा रोड पर किसी बड़े वाहन कार के द्वारा मोटरसाइकिल चालक, उस पर बैठी हुई इसकी पत्नी और बच्ची को टक्कर मारी, जिससे कि घायल 2 घायल वही मौके पर उनको एक्सपायर हो गए, वो उसकी पत्नी और उसकी बेटी। जबकि घायल चला रहा था जो गाड़ी रामखिलावन, उसको यहाँ गंभीर अवस्था में, घायल अवस्था में लाया गया, जिसका इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। ड्रेसिंग, इंजेक्शन, स्टिचिंग चल रही है, वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन इलाज चल रहा है।